कर्नाटक में खलगापुरा और भल्की के बीच पटरी से उतरे औरंगाबाद हैदराबाद पैसेंजर ट्रेन के 3 डिब्बे, इंजन पहुंचा खेत में। पुल से गुजरते ही हादसे का शिकार हुई ट्रेन, टल गई बड़ी घटना, किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं। वरिष्ठ रेल अधिकारी पहुंचे मौके पर, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। महाराष्ट्र के सांगली में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक के साथ टक्कर में 6 लोगों की मौत। पंढरपुर से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु, हादसे में 10 लोग हुए जख्मी। हरियाणा के जींद में सरेआम सड़क पर मर्डर, हत्या के बाद पिस्तौल लहराते हुए भागे आरोपी। रेहड़ी पर गोलगप्पे खा रहे युवक पर हमला, गली के बीच ले जाकर मारी गोली। नागपुर शहर के पास सेम नगरी पहाड़ के जंगलों में आग, सूखे पत्तों की वजह से तेजी से फैली आग की लपटें। नागपुर में एमएलए हॉस्टल में नाबालिग के साथ रेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। थाने से सटे मुमरा में 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, एटीएस ने की थी छापेमारी। उत्तर प्रदेश में आज से गाड़ियों पर नहीं जलेगी लाल और नीली बत्ती, सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को मिलेगी छूट। योगी आदित्यनाथ ने देर रात की मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक, पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़े कई अहम फैसले लिए। पर्यटकों की सुविधा के लिए 500 पर्यटन पुलिस की होगी तैनाती, 200 महिलाएं होंगी शामिल, जल्द प्रस्ताव पेश करने के आदेश। हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ेंगे प्रदेश के कई पर्यटन स्थल, सीएम योगी ने जरूरी कदम उठाने को कहा। 4-लेन मार्ग से जुड़ेंगे प्रदेश के सभी तीर्थ स्थल, सरकार ने तैयार की कार्ययोजना। वक्फ की जमीन पर तलाकशुदा महिलाओं के लिए बनेगा आश्रय गृह, जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा मसौदा। 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को भी मिलेगी रानी झांसी योजना के तहत मदद, आर्थिक मदद मुहैया कराएगी सरकार। लखनऊ में मोहसिन रजा ने शिया वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर मारा छापा, बंद मिला ऑफिस तो भड़के मंत्री। इटावा में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह के घर बिजली विभाग का छापा, 4 लाख का बिल निकला बकाया। घर पर थी 5 किलोवाट की इजाजत, छापे में मिला 40 किलोवाट का कनेक्शन, क्षमता से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल। अयोध्या में ईंटों से भरा ट्रक लेकर पहुंचे मुस्लिम कार सेवक, राम मंदिर निर्माण का लिया संकल्प। लग्जरी कारों के साथ अयोध्या पहुंचा राम जन्मभूमि मुस्लिम कार सेवक मंच का काफिला, जय श्री राम के नारे लगाए। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर विपक्ष की मोर्चाबंदी शुरू, सीएम नीतीश ने सोनिया गांधी से की मुलाकात, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान से प्रत्याशी तय करने की अपील। अपनी ही सरकार के मंत्री पर पीडीपी का पलटवार, कहा अपनी जहरीली मानसिकता बदलने की जरूरत। कश्मीर में हिंसा के हालातों ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें, अगले हफ्ते मसले पर गृह मंत्रालय ने बुलाई बड़ी बैठक। घाटी के पत्थरबाजों को जवाब देने के लिए मध्य प्रदेश के झाबुआ से आदिवासियों का ऑफर, 5 गुना रफ्तार से फेंक सकते हैं पत्थर। पत्थरबाजों से निपटने के लिए आदिवासी गोफन बटालियन बनाने की मांग, अचूक निशाने के लिए मशहूर है गोफनबाज। आज प्रशासनिक अधिकारियों को शासन का मंत्र देंगे पीएम मोदी, सिविल सर्वेंट कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। सुशील मोदी की सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी, 2015 में गलत हलफनामा देने पर तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई की मांग। आज होगा 29वें सावरकर साहित्य सम्मेलन का आगाज, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे उद्घाटन।
फिर सुर्खियों में आए शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़, लातूर में एटीएम के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ किया प्रदर्शन। रविंद्र गायकवाड़ ने लगाए फडणवीस मुर्दाबाद के नारे, बैंक कर्मचारियों और पुलिस के साथ भिड़े। बरखा शुक्ला को कांग्रेस ने 6 साल के लिए किया बर्खास्त, एक दिन पहले दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस पद से दिया था इस्तीफा। एनसीडी चुनाव से पहले होर्डिंग वॉर तेज, केजरीवाल को बताया गया झूठों का सरकार। एनसीडी के दंगल में आज बंद होगा प्रचार का लाउडस्पीकर, प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी झोंकेगी पूरी ताकत, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो करेंगे प्रचार। आम आदमी पार्टी ने एनसीडी चुनावों में जीत का दावा किया, पार्टी के सर्वे में 218 सीटों पर जीत की कही गई बात। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं की सरेआम गुंडागर्दी, पाकिस्तानी कपड़े बेचने वाले एक शोरूम में जबरन घुसकर किया हंगामा। राष्ट्रपति चुनाव से पहले पेरिस में फिर संदिग्ध आतंकी हमला, पुलिस अधिकारियों पर हमलावर ने बरसाई गोलियां। हमलावर ने AK-47 राइफल से की पुलिस पर फायरिंग, एक अधिकारी की मौत, 2 घायल, हमलावर ढेर। हमले के बाद पेरिस में बढ़ाई गई सुरक्षा, चैंप पेलेसी इलाके में सुरक्षा बलों ने एक कार की तलाशी ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की हमले की निंदा, आतंकी हमला होने की जताई आशंका। आतंकी संगठन आईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी, बेल्जियम का रहने वाला था हमलावर। बटलर की शानदार पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने पंजाब को हराया, 16वें ओवर में ही 8 विकेट से जीता मैच। गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स ने कराई पीठ की सफल सर्जरी, वेबसाइट पर दी जानकारी। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले हमा प्रांत में सेना ने बरसाए बम, इंटरनेट पर अपलोड हुआ वीडियो। सलमान ने ट्विटर पर शेयर किया फिल्म ट्यूबलाइट का दूसरा पोस्टर, फैंस के नाम लिखा संदेश। प्रियंका की हॉलीवुड फिल्म बेवॉच का नया पोस्टर रिलीज, पोस्टर में चश्मे के साथ दिखी देसी गर्ल।